हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ हेयर कट, लॉन्ग हेयर कट है जिसका मैं मीडियम लेंथ में हेयर कट करूँगी। यू शेप हेयर कट है तो आपको बहुत ही, हर वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट तरीके बताती हूँ तो इस वीडियो में भी कुछ डिफरेंट होगा यू हेयर कट का। और मतलब बहुत सारी हेयर कट की वीडियोज हैं मेरे चैनल पर और मैं कोशिश, आप लोग को हेयर कट की वीडियो ज़्यादा पसंद आती हैं पार्लर से रिलेटेड वीडियोज़ में, हेयर कट की सबसे ज़्यादा आप लोग पसंद करते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हेयर कट की ही वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी जिस पर मैं अपनी ब्लॉगिंग वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको ब्लॉग में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस तो कर ही दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और इस चैनल पर भी जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो कैसा हेयर कट है, कैसा लुक आया है सब कुछ। और हाँ, फ्रंट से बैंक से हेयर कट भी कराया था इन्होंने, तो बैंक से हेयर कट लॉन्ग में ही कराया था। किस तरीके से मैंने किया है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है जिनका हेयर कट करना, आप देख सकते हो बाल बंधे हैं अच्छे खासे और लेकिन इनके बालों में ऑयल था तो मैंने ओरिजिनल लगा दिया। यहाँ पे आप लोगों को सुनाई है तो इन्होंने बोला कि हाँ मतलब मैं वॉश, हेयर वॉश नहीं करती और पार्लर में मैं वॉश नहीं करती हूँ, तो घर से ही कस्टमर वॉश करके आते हैं कि मैं हेयर कट कर देती हूँ। मैंने ऑयली बालों में ही हेयर कट कर दिया था इनका, मतलब उतने ज़्यादा हैवी बाल नहीं थे। अगर हैवी बाल हो तो आप ऑयली वालों को हेयर कट ना करें क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है कट, हेयर वॉश रहते हैं तो अच्छे से कट आता है बालों में। तो अच्छे से मैं इनके बालों को धुला करके सुलझा रही हूँ। सबसे पहले मैं इनके बालों की जितनी लेंथ निकाली है उतना मैं कट कर दूँगी। मिडिल पार्टिंग करनी जरूरी है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आप लोग को, अगर स्ट्रेट कट करने हैं, डीप यू, लाइट यू, वी शेप, ये सारे हेयर कट करने हैं तो आपको बीच की मांग निकाल लेनी चाहिए, उससे आपका हेयर कट परफेक्ट आएगा। अगर आप साइड मांग से कट करोगे तो जब आप हेयर वॉश करते हो चाहे आप बीच की मांग की पार्टिंग निकालोगे तो आपके बाल एक साइड से बड़े और छोटे दिखने लग जाएंगे। और बीच मांग की मांग से हेयर कट करते हो तो आपके बाल, जैसे आप साइड मांग भी निकालोगे तो भी इक्वली दिखेंगे। ओके, तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इनके बाल सुलझ चुके हैं और मैंने गीले भी कर लिए हैं। तो जब आप ये कट करते हो तो कस्टमर को बोले कि सिर ज़्यादा ना हिलाएं, ये तो आपको कटिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी और हेयर कट परफेक्ट नहीं आएगा। तो उनको बोले कि आराम से बैठे रहें, ये भी बहुत सीधे इधर उधर हिला रही थी। ये देखिए, इस तरीके से आप स्ट्रेट हेयर कट भी कर सकते हो। वैसे स्ट्रेट कर हेयर कट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियो मैंने डाली हैं, जैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे गोलाई देनी है, यहाँ से तो यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया मैंने। अब यहाँ का जो लेंथ है उसी टाइप उतना ही लेंथ हमको दूसरी साइड भी चाहिए। तो जितना आपने इधर से कट किया है और उधर की एक लेयर लीजिए, एकदम सेंटर में लेके आइए बीच में इस तरीके से, और जितना एक्स्ट्रा है उस साइड का लेयर उसको कट कर दीजिए। अब देखिए दोनों साइड आपको सेम दिख रहा होगा लेंथ। अब जितना हेयर है उसको यू में कट करेंगे। कैसे कट करना है वो आप वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। अभी बैंक से हेयर कट भी करना है तो वो भी देख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई दे दी है इस साइड से, दूसरी साइड की देने के लिए इस तरीके से कॉम करेंगे और ऐसे कट कर देंगे। ओके,
डीप यू, वी शेप, बहुत सारी हेयर कट की वीडियोज है, एडवांस लेयर स्टेप, एडवांस स्टेप, बहुत मतलब फुल स्टेप, बहुत सारी हेयर कट की वीडियोज हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लाइट यू कट में इनका हेयर कट किया है, और फ्रंट से कैसा लेयर कट करने वाली हूँ बैंक कट, वो भी देख लीजिए आप। अब ये कैसे भी कॉम करेंगे, इनका ये जो हमने कट किया वो परफेक्टली दिखेगा, पोनी बनाए, स्ट्रेट करके क्लचर लगाएं, कैसे भी करेंगे तो इनका हेयर कट परफेक्टली दिखेगा। यहाँ से थोड़ा सा कम लग रहा था तो हल्का सा और कट दे देंगे। अब चेक जरूर कीजिए बार बार चेक करके, और जितना भी एक्स्ट्रा लगे उसको बार बार कट कर दीजिए, उससे आपका कटिंग परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अभी फ्रंट का बैंक हेयर कट करते हैं। तो इनको मैंने इधर से घूमने के लिए बोल दिया। अभी मैं यहाँ से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लूँगी इनके बालों की, और इनको चाहिए था, मैं इनसे लेंथ पूछ रही थी कितना रखना, तो इनको लॉन्ग में ही चाहिए था, तो भी ये चेक करेंगे कि कितना रखना है, मैंने बोला इतना कट कर दूँ, तो ये अपने हाथ में हेयर को लेके और चेक करेंगे कि कितना चाहिए इनको लेंथ। बोला उन्होंने बोला कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, ज़्यादा मत कट लीजिए, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लिया है, जैसी कस्टमर की डिमांड होती है मैं उसी टाइप से हेयर कट करती हूँ, जैसा कस्टमर बोलता है कितना लॉन्ग चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितना स्मॉल चाहिए, किस टाइप से कटिंग चाहिए, सब कुछ जो कस्टमर को चाहिए होता है मैं उसी हिसाब से कट करती हूँ, क्योंकि करना भी उसी हिसाब से चाहिए, कस्टमर खुश रहेगा तो भी सही रहता है। तो उन्होंने बोला इतना कट करने के लिए, तो मैंने इतना इनका मतलब लॉन्ग बैंक भी कट कराया है इन्होंने। तो सेकंड साइड का आप कैसे कट करोगे, इधर का लुक देख लो आप कितना प्यारा सा है। तो सेकंड साइड का भी कट करते हैं। तो जितना मैंने इधर से लिया था पार्टिंग, उतना ही दूसरी साइड से भी ले लूँगी, और एकदम सीधा नोज के पास कॉम करके लेके आऊँगी, और इधर का एक लेयर पकड़ लूँगी ताकि मतलब गाइडलाइन मिल जाए, और बराबर में कटे, बिल्कुल भी इधर का छोटा उधर का बड़ा ऐसा ना हो। तो इधर से एक लेयर ले लिया मैंने, और हेयर को कॉम करके सामने की तरफ लेके जाएंगे, और जो हमने लेयर कट की थी वो गाइडलाइन हमारा है हमारे पास, तो उसी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा हेयर कट करेंगे। तो दोनों साइड का हमारा बैंक हेयर कट कम्प्लीट हो गया। अभी मैं इनका बैंक आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, इनको लॉन्ग में ही किया था तो मैंने लॉन्ग कट किया है, यहाँ से इस तरीके का है। तो आई होप आप लोग को इनका हेयर कट अच्छा लगा हो, हेयर कट कम्प्लीट हो गया, काफ़ी पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका भी पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ मीडियम यूट्यूबर के वाई चैनल को चेक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और मैं जाने वाली हूँ मार्केट, क्यों जाने वाली हूँ, मेरा पहले थोड़ा नहीं है चेकअप के लिए, तो उसका ब्लॉग आएगा मेरे इंडियन यूट्यूबर के वाई चैनल पर, जाके जरूर चेक कीजिएगा।